ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं चौथे भाव में शनि की शुभ और अशुभ स्थिति की। शनि को नपुंसक ग्रह माना जाता है। इसका कारक भाव आठवां और दसवां है। इसे फारसी में जुहल और अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। इसका वार शनिवार और रंग काला है। बुध शुक्र व राहु इसके मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं। गुरु व केतु सम हैं। शनि को न्याय का देवता मानते हैं। शनि चौथे भाव में शुभ हो तो जातक उत्तम चरित्र का स्वामी होता है। जातक को माता पिता और पिता दोनों का सुख प्राप्त होता है। जातक या तो चिकित्सक होता है या चिकित्सा से जुड़े व्यवसाय से होता है। जातक अत्यंत धनवान होता है। जातक को वाहन सुख प्राप्त होता है। शनि चौथे भाव में अशुभ हो तो जातक के सीने पर बाल नहीं होते, वह विश्वसनीय नहीं होता। भवन निर्माण करते समय माता व मामा को कष्ट होता है। जातक धोखा देकर संपत्ति अर्जित करता है। ऐसे जातकों को कुएं में दून डालना चाहिए। पर स्त्री गमन से बचना चाहिए। शनि की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उड़द की दाल दान करनी चाहिए। सांप को दूध पिलाना चाहिए। कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। लोहे की कटोरी में शहद डालकर चिड़ियों को खाने के लिए छत पर रखना चाहिए। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।